हेलो दोस्तों, स्वागत है पुनीता किचन में। आज मैं आपके लिए लाई हूँ साबूदाने की खीर, जो आप व्रत में और उपवास में खा सकते हैं और भगवान को, दुर्गा माता को भोग भी लगा सकते हैं। चलिए उस रेसिपी की शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पुनीता किचन में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ साबूदाने का खीर, जो व्रत में खाया जाता है और दुर्गा माता का भोग भी लगाते हैं। देखिए उसके लिए हमने क्या क्या लिया है। हमने ले लिया 1 कप चीनी, शक्कर, और ये काजू 5-6 काट लिया है, बादाम 5-6 काट लिया है, 5-6 ये है अपना पिस्ता और नारियल, और ये देखिए इतना हमने किशमिश ले लिया, थोड़ा सा चिरौंजी ले लिया है, ये इलायची ले ली हूँ मैं कूट के डालूंगी, पाउडर नहीं डाल रही हूँ, और ये घी रखा है हमने फ्रिज में रखा था इसलिए कड़क है, और 1 कप मैंने पानी ले लिया है, और ये थोड़ा सा केसर ले लिया है। बहुत महंगा है, बहुत मतलब भगवान का भोग लगाना था इसके लिए मैं खरीद के ले गई हूँ दुर्गा माता के लिए, अगर उनका आशीर्वाद रहेगा तो और लाऊंगी। और इस कटोरी से मैंने साबूदाना भिगो दिया था, इसमें आप चाहे तो इसको दूध में भी भिगो सकते हैं, 2-2.5 घंटे तक भिगने दें, हमने पानी में ही भिगोया था। ये देखिए साबूदाना जो है फूल गया अच्छा से, कितना अच्छा लग रहा है। अब हम क्या करेंगे, एक भगोना लेंगे जो कि थोड़ा सा मोटा हो और अच्छा हो, साफ़ सुथरा लेंगे, और उसमें हमने 1 लीटर दूध मंगाया था, वो भैंस का दूध मैं मंगाई हूँ तवेले से, और ये को इसको क्या करेंगे ना, इसमें हम छान लेंगे। देखिए 1 लीटर दूध है, सामने निकालता है दूध वाला हमारा, ये देखिए हमने ले लिया है, और ये हमने पानी जो रखा है ना इसमें डाल लेंगे, क्योंकि हम दूध का बर्तन ऐसे ही नहीं रखते हैं, इसको निकाल लेते हैं पानी डाल के, और इस पानी हम इसमें डाल देंगे, क्योंकि हमारे खीर बनने में 20 से 25 मिनट तो लग ही जाएंगे, तो दूध जलने के बजाय पानी ही जल जाएगा और दूध हमारा वैसा ही बरकरार रहेगा। अब इसको हम क्या करते हैं, गैस पे रख देते हैं और गैस को हम जला देते हैं। ये देखिए हमने गैस को बहुत अच्छे से साफ़ किया है, क्योंकि भगवान को भोग लगाना है दुर्गा माता को। और अब दूसरा, अब हम क्या करने जा रहे हैं, तो ये अब दूसरा गैस हम जला देंगे, और इसमें हमने जो घी लिया है एकदम से बारीक करेंगे गैस को, और ये हमने घी जो लिया है ना इसको हम इसमें डाल देंगे, और हल्का सा ये जो सारे फ्रूट लिए हैं हम इसको उसमें भून लेंगे, क्योंकि इसका जो कच्चा फ्लेवर है या थोड़ा अलग सा स्वाद आता है वो सब निकल जाए। अगर आप नारियल नहीं खाते हैं तो मत डालिएगा, और इसको हम कूट लेंगे, और केसर को ऊपर से ही डालेंगे। जब तक हमारा दूध उबलेगा तब तक हम ये सब ड्राई फ्रूट डाल, मतलब घी में भूज के निकाल लेते हैं, हल्का ही भूनेंगे, और ये देखिए गर्म हो जाएगा घी ना, तो इसमें हम डाल देंगे, देखिए बहुत अच्छा सा खुशबू आता है, सारे डाल देंगे तो आप किशमिश तो बहुत अच्छा सा फ्लेवर देता है। देखिए हमने इसमें काजू, बादाम, पिस्ता, चिरौंजी डाल दिए हैं, अभी हमें नारियल डाल देते हैं, चिरौंजी का अच्छा सा फ्लेवर आता है इसमें, ये देखिए थोड़ा हल्का ही भूनेंगे, देखिए और अपना किस्में भी सब फूल गया है, देख रहे हैं कितना अच्छा। अब इसको हम क्या गैस बंद कर देंगे, ये देखिए, और हम अपना दूध उबलने का इंतज़ार करेंगे। हमको ना इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, सिर्फ 10 से 15 सेकेंड करना है, ये देखिए, और इसी पे हमको छोड़ देना है क्योंकि इसमें घी है, ये देख रहे हैं ना, उसके बाद हम जब खीर बन जाएगा ना तो इसको ऊपर से हम डाल देंगे। देखिए हमारा दूध उबल गया है अच्छा सा, देख रहे हैं कितना मतलब मलाई आ रहा है इसमें से, क्योंकि एकदम प्योर दूध है, अच्छा दूध है। और इधर हमने इलायची कूट के निकाल लिया है, ये देखिए, क्योंकि हमने इलायची इसलिए कूटा है कि अब खाएंगे आप साबूदाने की खीर तो दांतों के साथ अच्छा स्वाद आना चाहिए, धमाकेदार। और ये जो हमने छिलका रखा है ना, या तो चाय में डाल देंगे या तो मसाले में पीस देंगे। अब इसको थोड़ा सा उबलने देते हैं अच्छा खासा, ये देखिए मस्त खीर बनेगी, इसमें कोई परेशानी दिक्कत नहीं है, देखिए अच्छा सा दूध है। गैस मीडियम पे ही रखेंगे और मोटा बर्तन ही लेंगे। आप साबूदाने को दूध में भी भिगो सकते हैं, पानी में भी भिगो सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। ये देखिए दूध गाढ़ा होने लगा है, हमने इसको कम से कम 5 मिनट उबाल लिया है अच्छे से, ये देखिए। अब इसमें हम क्या करेंगे ना, साबूदाने को डाल देंगे, इसमें आप पानी ज़रूर डालिएगा, क्योंकि आप पानी में ही डालेंगे तो साबूदाना ये दूध जल जाएगा, और पानी के बदले, दूध के बदले पानी रहता है तो पानी जल जाता है, आपका दूध सही बचा रहता है, इसके लिए हम थोड़ा पानी ज़रूर उस ऐड करना चाहिए दूध में, बिना पानी का खीर ना बनाए। ये देखिए अब इसको हम क्या करेंगे,
कम से कम 5 से 7 मिनट इसको अच्छे से पकाएंगे साबुदाने को। और दोस्तों पता है आपको, अगर आप ये रात को बना लीजिए और फ्रिज में रख दीजिए और सुबह खाएंगे तो बोलेंगे मैंने क्या खा लिया, दिन भर खाना खाना ही भूल जाएंगे, बार बार फ्रिज खोल के खीर ही खाना पसंद करेंगे। ये ऐसी खीर बनती है, चाहे आप व्रत में बनाएं, चाहे ऐसे भी मीठा खाने का मन करता है तो बनाएं। और व्रत में तो पेट तो भर ही जाता है रात को, और नींद भी अच्छी आती है क्योंकि मीठा खाते हैं हम तो नींद बहुत अच्छी आती है। ये देखिए कितना अच्छा साबूदाना दिख रहा है आपको, ऊपर से उबलते हुए भी दिख रहा है, दूध भी अच्छा दिख रहा है। ये देखिए खीर तो बन ही रहा है, और जो हमने इधर ड्राई फ्रूट भून के रखा है देसी घी में, उसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है कि मेरे बच्चे बोल रहे मम्मी ऐसे ही दे दो उसको, खीर में मत डालो। मैं बोली नहीं, पहले उसमें डालूंगी आधा, भोग लगाऊंगी भगवान को, फिर तुम लोगों के लिए आधा रख दूंगी उसमें से, चाहे तुम लोग खाओ इसमें डाल के खाओ चाहे ऐसे डालो खाओ, लेकिन पहले भोग लगना चाहिए दुर्गा माता को। ये देखिए खीर पक रही है अच्छे से, और इसको हम थोड़ा पका लेंगे। हमने केसर में दूध नहीं डाल के रखा है, वो पीला कलर हो जाएगा। अगर आपको पीला कलर चाहिए तो उस केसर में थोड़ा सा दूध डाल के रख दें। हमको ऊपर से ही केसर, मतलब हमको सफ़ेदी खीर चाहिए, इसके लिए हमने केसर में दूध नहीं डाला। ये देखिए आप ऐसा ही पकाते रहिए, मस्त बनेगा खीर आपका। ये देखिए, ये देखिए हमारा खीर कितना अच्छा दिख रहा है आपको, उबलते हुए भी दिख रहा है। और जो भगोने के बाजू में है, अगल बगल में है, वो देखिए ये दूध पकड़ना चालू कर दिया है। ये देखिए, और ये मलाई बनना स्टार्ट हो गया है। इसको हम ज़्यादा मतलब नहीं मतलब दूध को ज़्यादा नहीं जलाएंगे, क्योंकि ज़्यादा जलने के बाद ये दूध जो है ना गाढ़ी हो जाएगी और अपना साबूदाना दूध जो है पूरा सोख लेता है, तो हमको इसको ज़्यादा नहीं पकाना है। हमारा साबूदाना का खीर बन गया है, ये देखिए थोड़ा बहुत और पकना चाहिए। और आप रखेंगे ना गैस बंद करके तो ये पूरा सूख जाती है, तो उस समय आप क्या करेंगे, दूध को थोड़ा गर्म करेंगे। अगर खीर गर्म रहेगी तो दूध गर्म करके आप मिला सकते हैं, और फ्रिज में रखे हैं तो फ्रिज से निकाल के ठंडा दूध ही डालें आप, ठंडा नहीं तो आप गर्म में ठंडा डालेंगे तो नहीं अच्छा है। ये देखिए कितना अच्छा खीर दिख रहा है बनते हुए भी, और बनने को भी आ गया है समझिए। देखिए बाजू बाजू में लग भी रहा है, आप ज़्यादा ना इसको जलाएँ क्योंकि दूध प्योर है और अच्छा दूध है, पूरा गाढ़ा ही। देखिए कितना अच्छा ये चम्मच में पकड़ लिया है दूध, देख रहे हैं। इसमें हम क्या करेंगे, शक्कर डाल देंगे। हमने देखिए 1 कप शक्कर लिया, 1 लीटर दूध है, 1 कटोरी साबूदाना है, ये देखिए। तो इसमें हमने इतना शक्कर डाल लिया, आपको जितना मीठा चाहिए उतना मीठा डाल सकते हैं, क्योंकि दूध प्योर है तो शक्कर चीनी। देखिए हमने शक्कर डाल दिया, और साबूदाना देखिए कितना अच्छा दिख रहा है आपको, ये देख लीजिए हाँ। और मलाई भी हो गई है, इसको आप थोड़ा सा हम 2-3 मिनट और ही पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे। ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, और इस पर थोड़ा सा खुशबू आने के लिए आधा इलायची हम अभी इसी स्टेज पर डाल देंगे, ये देखिए। और इसको हम थोड़ा सा चला देंगे। देखिए आप का बहुत सारा प्यार मिला है मुझे, आलू दम जो बनाया हमने व्रत उपवास में, आपका ऐसा ही प्यार बने रहे, और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपी लेके आती हूँ, जो आप बोलेंगे मैं वो बनाऊँगी आपके लिए। बस आप कमेंट करके हमको बताते रहिए कि आपको क्या चाहिए हमारे हाथों द्वारा, और बना के खाइएगा तभी अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा बनता है। अगर आप हमारे साथ रहेंगे तो मैं आपको बना के खिला के दिखाऊंगी, नहीं है तो आप वीडियो देख के ज़रूर बनाइएगा, और पूरी वीडियो देखिएगा अंत तक देखिएगा, क्योंकि हर लोगों का हर तरीके से अलग अलग तरीके से बनाते हैं। हमने अपने तरीके से बनाया है जो हम अपने घर में बनाते हैं। अगर मैं आपके लिए वीडियो लाऊं तो मैं रोज़ ला सकती हूं, क्योंकि हमारे बच्चे रोज़ ही अलग अलग कुछ ना कुछ बनवा के खाते रहते हैं मुझसे। ये देखिए बाहर का तो खाते नहीं है लोग ज़्यादा, बाहर से सब सामान लेके आएंगे, मम्मी ये बनाओ मम्मी वो बनाओ। ये देखिए कितना अच्छा खीर पक रहा है। देखिए दूध जब खीर बन जाती है ना तो दूध का उबाल नीचे की तरफ होता है, देखिए कैसा दूध नीचे की तरफ जा रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, आधा हम ड्राई फ्रूट डाल देंगे और आधा रखेंगे गार्निश करने के लिए। देखिए इसमें हम ऐसे डाल देते हैं और थोड़ा रख देते हैं गार्निश करने के लिए। अब देखिए कैसा खीर ऊपर से अच्छा दिख रहा है, और हम इसको 1-2 सेकेंड तक पकाएँगे और वापस हम गैस बंद कर देंगे। फिर ठंडा होने के बाद आपको कटोरी में हम सर्व करके दिखाते हैं कितना अच्छा बना है। देखिए ज़्यादा मोटा मत कीजिए, ये देखिए खीर बनने की पहचान ये है, ये सब पूरा इसमें चपक जाता है दूध, और अगल बगल भी चपक जाता है, और इसका उबाल नीचे की तरफ होता है। देख लीजिए ध्यान से कैसा नीचे उबाल आ रहा, ऊपर नहीं जा रहा नीचे आ रहा है। देखिए दोस्तों अब हम गैस बंद करने जाते हैं, हमारी खीर बन के तैयार है। ये देखिए
अब हम गैस बंद कर देते हैं, उसके बाद थोड़ा सा ठंडा होएगा तो आपको सर्व करके दिखाती हूँ। देखिए कैसा मस्त पक रहा है ना, ऐसा लग रहा है क्या बन रहा है। और इलायची डाल दिया तो पूरे घर में खुशबू खुशबू हो गई है। भगवान भी बोलेंगे जल्दी लेके आओ मेरे पास, इसलिए हम गैस बंद करके ठंडा होने के लिए रख देते हैं। फिर मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। देखिए स्थिर हो गई है खीर हमारी, और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, फिर आपको प्लेट में निकाल के दिखाते हैं। देखिए दोस्तों हमारी खीर जो है थोड़ी ठंडी हो चुकी है, मतलब खाने लायक हो चुकी है। देखिए ये कितना अच्छा मलाई पड़ा, देख लीजिए ये। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा ये बचा हुआ था इलायची पाउडर, इसमें हम डाल देंगे, और थोड़ा सा ऊपर से एक हिस्सा भी डाल देते हैं, और जो ये बचा है ड्राई फ्रूट इतना ये सब डाल देते हैं। और फिर उसके बाद हम उसको निकाल के और सर्व करके दिखाते हैं। ये देखिए हमने चला दिया है। हमने पतला थोड़ा सा क्यों रखा है कि आप लेट खाएंगे, अगर खाना होगा तो इस स्टेज पे गरम गरम खाइए, नहीं तो ठंडा एकदम बिल्कुल ठंडा करके खाइए, बहुत ही अच्छी लगेगी खीर आपको। ये देखिए कितना मस्त ये अपना ये दूध ने इसमें पूरा अजब कर लिया है साबुनदाने को। ये देखिए खीर ऐसी ही रहती है, ज़्यादा मोटी खीर नहीं खानी चाहिए। ये देखिए, और जिसमें ड्राई फ्रूट हमने डाला वो बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए हमारा कटोरी भर गया है, आप बनाइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और हमारे आई बटन घंटी को दबा दीजिएगा, जो कि हमको जो भी आपको हमारी रेसिपी हो जल्दी आपको मिले, तुरंत पता चले। और ये देखिए हम इसमें थोड़ा सा ऐसा केसर डाल देते हैं, केसर के दाने डाल दिया हमने, और ये जो हमने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट रखा है, ये देखिए हमने ड्राई फ्रूट डाल दिया है। आप और अब हम इसको भगवान को भोग भी लगा देंगे, और जो भी व्रत में हैं आप उनको खिला सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छा आपको एनर्जी देगा और पेट भर के आपको नाश्ता देगा। देखिए अगर हमारी रेसिपी पसंद आती है इसी तरीके से बनाइएगा, और जितना ही पतला बनाएंगे आपको बाद में ये बहुत ही मोटा मिल जाएगा, ठीक हो जाएगा। और आप अपना अनुभव हमारे चैनल पर शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।